हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किन ग्राउंड्स पर सेक्शन बारह दो ऑफ सी का एप्लीकेशन काबिल समाहत नहीं होता है यानी मेंटेनेबल नहीं होता है हमारे सामने केस ला है दो हज़ार तीन एस सी पेज जो है दस पचास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है इसमें एक इशू को एड्रेस किया गया है डिस्कस करते हैं जो मेन इशू है वो डिस्कस करते हैं द रेमेडी ऑफ सेवल सूट फॉर सेटिंग असाइड द डिग्री अपटेंट थ्रू फ्रॉड और मिसरेप्रजेंटेशन आर इफ पास्ट विद आउट जुरुसडिक्शन वॉज सब्सटीट्यूट विद द प्रोविजन ऑफ सबसे टू ऑफ सेक्शन ट्वेल्व सी पी सी बट इट उड नाट बी गिवन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट इन केसेज विच वर पेंडिंग Adjudication and its enactment are in which the degrees already passed were under challenge in the civil suits on the ground of fraud, or in which. The degrees were passed within three years prior to the date of in its enactment. The period of limitation for an application under section twelve to CPC were not specifically provided under law. Therefore, the same was governed by Judiciary Article 181 of the Limitation Act 1908 under which such an application can be filed within three years. From the date वेन दाइट टू अप्लाई एंड सच डेट वुड बी डेट ऑफ पासिंग द जजमेंट डिग्री और आर्डर एज देश में प्रेजेंट केस बाई मूविंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ट्वेल टू सी पी सी सेटिंग एसाइट ऑफ डिग्री एक्सप्लन किया गया है कि जो सेवल सूट है उसकी डिसीजन हो चुकी है अब उसको सेटिसाइड करना है सेक्शन बारह दो के तहत लेकिन जो सेक्शन बारह दो के तहत तो उस फैसले को चैलेंज करना है जो क्या है 1980 से पहले है अब क्या यहाँ पर सेक्शन बारह दो का एप्लीकेशन काबिल समाहत है या नहीं है एक्सप्लेन किया गया उड नाट बी गिवन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हासिल नहीं है बारह दो का एप्लीकेशन जो है वो काबिल समाप्त नहीं होगा अगर किसी फैसले को चैलेंज करना हो और वह फैसला उन्नीस सौ अस्सी से पहले हो यानी जो फैसला 1980 से पहले हुआ हो तो उसको बारह दो के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता है और इसके साथ लिमिटेशन भी बताया गया कि जो लिमिटेशन है वो एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है लेकिन आर्टिकल 181 एक्सप्लेन करता है कि अगर लिमिटेशन ना हो तो उसके लिए थ्री इयर्स लिमिटेशन है और लिमिटेशन कब से शुरू होगा जब कोई जजमेंट डिग्री आर्डर पास हो जाए तो पासिंग ऑफ जजमेंट डिग्री से वो डेट शुमार किया जाएगा अब यहाँ पर यहां पर जो है इन द प्रेजेंट केस बाय द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन टू सी सी डिग्री इन विद एसर्शन दे वार नॉट अवेयर ऑफ ऑफ एंड अपील इनवॉल्विंग द डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन रिस्पॉन्डेंट्स डिग्री होल्डर्स एंड जजमेंट डेप्टर्स एंड पासिंग ऑफ द डिग्री बाई द हाई कोर्ट बिफोर दिसंबर 1978 सेवनटी एट इन एबसेंस ऑफ एनी रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ़ डिले द प्रोविजन ऑफ सेक्शन टू ओनली बी इनबल इन केस इन विच डिग्रीज आर पास विद इन थ्री ईयर्स डेट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सप्लेन किया गया कि जो डिले हुई है उसके लिए सफिशेंट ग्राउंड नहीं है और लैक ऑफ नॉलेज जो है वो वैलड रीज़न नहीं है लिहाजा बारह दो का एप्लीकेशन के लिए तीन साल जो है वो लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन के अंदर अंदर अप्लीकेशन दायर करना होता है अब मजीद ये कि जो जजमेंट पास हुई है वो उन्नीस सौ अठहत्तर या उन्नीस सौ सत्तर में पास हुई है दस साल पहले लिहाजा यहाँ पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है जो डिग्री या जजमेंट आर्डर उन्नीस सौ अस्सी से पहले पास हुई है उसको बारह दो के तहत तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है यानी बारह दो का एप्लीकेशन काबिल समाप्त नहीं है और यही मसला एड्रेस किया गया है 2009 C.L.C. पेज जो है 785 एट फाइव हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की केस ला है डिस्कस करते हैं जो मेन इशू है एड्रेस की गई है अमेंडमेंट इन सेक्शन 12 C.P.C. प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग रेमेडी टू चैलेंज अ डिग्री आर आर्डर पास्ड ऑन बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रजेंटेशन हैड नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड इट वुड अप्लाई फ्राम द डेट ऑफ इट्स कमिंग इन टू फोर्स यानी यह फ्यूचर के लिए है 1980 के बाद जो जजमेंट्स या आर्डर पास होते हैं उसको बारह दो के तहत चैलेंज किया जा सकता है इससे कबल जो डिग्री आर्डर या जजमेंट जो दिए गए हैं उसको सेक्शन बारह दो के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता है और यही मसला इन केसेस में डिस्कस हुआ है 1981 एटी पेज जो है डबल वन थर्टी पी पेज जो है वन वगैरह